Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 5, Voice Recognition and Keystroke Dynamics of Biometrics. Today's topic are Introduction, Working, Strength and Weakness, Voice Recognition Application, Voice Verification in Telephone Banking, Understanding Voice Recognition, Choice of Features, Speaker Modeling, Pattern Matching, Keystroke Dynamics, एक्टिव एंड पैसिव बायोमेट्रिक्स। बेसिकली आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे हम लोग वॉइस रिकॉग्नाइजेशन यूज़ करते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द बायोमेट्रिक सिस्टम, जैसे कि हमने बायोमेट्रिक सिस्टम में पढ़ा था कि उसमें हम लोग वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का एक पैटर्न लेके चलते हैं, एक हमारा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का पर्टिकुलर मेथड्स भी होता है जिसमें हम लोग पर्सन की पिच देखते हैं, उसकी वॉइस की पिच कैसी है, उसमें प्रेशर कैसे यूज़ करा है, वो स्ट्रेंथ कैसे यूज़ करा है, इवन उसकी स्पीड कैसी है। डिपेंडिंग अपॉन ऑल दैट बेसिक टर्म्स, उन बेसिक टर्म के ऊपर डिपेंड करने के बाद कुछ पैटर्न बनाए जाते हैं। आफ्टर दैट उन पैटर्न से कुछ कोडिंग होती है, उन कोडिंग को मैचअप किया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइप ऑफ कोडिंग हम लोग पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पर्टिकुलर वेरिफिकेशन होती है। सो नाउ वी कैन सी दैट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ बायोमेट्रिक्स, ये बायोमेट्रिक्स की एक टेक्निक्स है। इवन हम इसका एरिया देखते हैं वेयर इट इज़ यूज, तो बेसिकली हमारे पास ये एज वी हैव ऑलरेडी डन की हमारे पास क्राइम ब्रांच में भी यूज़ होती है, ये हमारे पास जब हमारे पुलिस स्टेशन भी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के अंदर इसको यूज़ करते हैं। सो नाउ द वर्किंग हाउ इट वर्क्स, सो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यूटिलाइज द डिस्टिंक्टिव एक्सेप्ट ऑफ द वॉइस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हमारे वॉइस की डिस्टिंक्टिव एक्सेप्ट है, लाइक उसकी स्पीच कैसी है, वो वर्ड्स को कैसे प्रनाउंस कर रहा है, उसकी पिच कैसी है, वो सब कुछ इसमें लिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन ऑल दैट फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करके ही एक पर्सन की पर्टिकुलर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन निकालते हैं। सो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इज ओकेजनली कन्फ्यूज विद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, अ टेक्नोलॉजी विच ट्रांसलेट वट अ यूजर इज सेइंग। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। बेसिकली स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है, एक पर्सन क्या बोलता है। बेसिक आजकल हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर, जो हमारे पीसीज के अंदर भी इंक्लूड की हुई है। सो उसमें क्या होता है, हमारी जो स्पीच है, हम लोग बोलते हैं हम ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो प्रॉपर वर्ड ओपन होके आ जाता है। सो वो क्या है हमारे पास, वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन की वॉइस को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसने क्या बोला है, उसकी पिच कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, उसका प्रेशर कैसा है, स्पीड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस इंडिविजुअल की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी बाय कंट्रास्ट वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल हु इज स्पीकिंग। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो मेरे पास वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होगा वो तो वेरीफाई करेगा कि कौन पर्सन बोल रहा है, हमारे डेटाबेस से मैचिंग होगी। और जब हम लोग बात करते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की, तो क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है हमारे वर्ड्स को और पर्टिकुलर वर्क करता है, दैट इज अवर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। सो द टू टेक्नोलॉजी आर ऑफन बंडल्ड, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज यूज टू ट्रांसलेट द स्पोकन वर्ड्स इन टू द अकाउंट नंबर एंड वॉइस रिकॉग्निशन वेरीफाइज द लोकल करेक्टरिस्टिक्स अगेंस्ट एसोसिएटेड विद अकाउंट। सो नाउ व्हाट्स द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, वन ऑफ द चैलेंज फेसिंग लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेट्रिक इज द नीड टू डिप्लॉय न्यू हार्डवेयर टू एम्प्लॉयज कस्टमर एंड द यूजर। तो वन स्ट्रेंथ ऑफ द टेलीफोनिक बेस्ड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन इज दैट दे आर एबल टू कम्यूमेंट दिस प्रॉब्लम एक्सेप्टली वैन दे आर इम्प्लीमेंटेड इन कॉल सेंटर एंड द अकाउंट एक्सेस एप्लीकेशन। बेसिकली हम लोग इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं, तो देखिए हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसको कॉल सेंटर में भी यूज़ कर रहे हैं हम लोगों के लिए। अब इसके लिए जब हम लोग बात करते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, तो हमारे पास स्पेशल हार्डवेयर भी होने चाहिए, स्पेशल टाइप के हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके बेस्ड के ऊपर हम लोग वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो विदाउट एडिशनल हार्डवेयर अ यूज़र एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम कैन बी इंस्टॉल एज अ सब रूटीन थ्रू विच कॉल्स आर रूटेड बिफोर एक्सेस टू अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज ग्रांटेड। सो देखिए हमारे पास क्या है,
अब हमने बात की कि हमारे पास क्या होने चाहिए, स्पेशल हार्डवेयर भी होने चाहिए जिसमें हमारे पास वॉइस को क्या होंगे हम लोग कैप्चर करके रखेंगे और फिर अपने डेटाबेस से मैचअप करेंगे। सो विदाउट एडिशनल हार्डवेयर एट द एंड यूजर एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम कैन बी इंस्टॉल एज अ सब रूटीन। अब वैसा नहीं है तो हमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके हम लोग एक्सेसली उसको सेंसिटिव वे में हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा। सो द एबिलिटी टू यूज एग्जिस्टिंग टेलीफोन मीन्स दैट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वेंडर हैव हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऑथेंटिकेशन डिवाइस अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शुअल यूजेस टूडे। सो बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम लोग टेलीफोन लाइन्स भी यूज़ करते हैं। टेलीफोन लाइन्स है तो देखिए वो टेलीफोन लाइन्स तो हमारे पास ब्रॉडली अवेलेबल हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या है बेसिकली उनको जो प्रिवलेजेस दिए गए हैं वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि इस टाइप के प्रिवलेज कहाँ पे गिवन है। सो सिमिलर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इज एबल टू, जो हमारे पास वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होता है हम उसे क्या करेंगे कि एक पर्सन को कैसी ऑथेंटिकेशन है हम वो इसको रिकॉग्नाइज करके ही हम उसकी स्पीच के साथ साथ हम उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेंगे। मीन्स उसके पर्टिकुलर वर्ड्स में कैसे स्ट्रेंथ है, उसके वर्ड्स की प्रोनंसिएशन कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन द पिच उनकी पिच कैसी है, कितना लाउड है, कहाँ पे स्लो होता है, उन सभी से लेके हम उस पर्सन को वेरीफाई करते हैं। सो ऑटोमेटिक टेलीफोन सिस्टम यूटिलाइज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आज करंटली जो हमारे पास स्पीच रिकॉग्नाइजेशन था उसको हम लोग करंटली यूज़ कर रहे हैं। अब हम उससे क्या कर रहे हैं, हमारे पास हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की भी स्कीम लेके आ रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय नेसेसरी टू ऑपरेट द कॉल सेंटर। अब हमारे उसमें भी क्या है, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज ही एक पर्टिकुलर कॉल सेंटर में वर्क कर सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन देयर वॉइस हम उसकी वॉइस की स्ट्रेंथ पिच उन सब के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। सो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कैन फंक्शन साइमल्टेनियसली यूजिंग द सेम ऑटरेंस अलाउंगिंग द टेक्नोलॉजी टू बैंड सीमलेसली। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, एम्बेड कर दिया बेसिकली किसको, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को। तो उससे क्या है, हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जो हम लोग वाइडली यूज़ कर रहे हैं। सो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कैन फंक्शन एज अ रिलायबल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर ऑटोमेटेड टेलीफोन सिस्टम एडिंग सिक्योरिटी टू ऑटोमेटेड टेलीफोन बेस्ड ट्रांजेक्शन इन एरियाज सच एज फाइनेंशियल सर्विस एंड हेल्थ एरियाज। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हमारे पास वाइडली स्प्रेड हो रहा है, हमने उसमें क्या किया जो मोर रिलायबल है जो टेलीफोन लाइन है उसमें कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर दी, उन ऑथेंटिकेशन से क्या है हमें मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, हमारे फाइनेंशियल एरिया में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ एरिया में यूज़ कर सकते हैं। देखिए फाइनेंशियली, अब फाइनेंशियल की बात करते हैं वो सेंसिटिव मैटर आ जाता है तो हम बेसिकली उसके लिए क्या करते हैं, वॉइस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर यूज़र ही हमारे बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं तो उसमें उसकी वॉइस को भी एज अ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हम उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। सो वॉइस वेरिफिकेशन इन टेलीफोन बैंकिंग, अब कैसे टेलीफोन बैंकिंग में हमारे पास वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम इसको यूज़ करते हैं फाइनेंशियल फीचर के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए जो इम्प्लीमेंट करता है इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे हम लोग बैंक्स में यूज़ कर रहे हैं और भी हमारे पास कस्टमर बेस्ड कहीं भी वर्क है हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अब हर पर्सन किसी भी पर्सन का अकाउंट को हैंडल नहीं कर पाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे एक पर्टिकुलर पर्सन ही कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर वॉइस वेरीफिकेशन, जैसे उसकी वॉइस की वेरीफिकेशन होगी। अब हम वेरीफिकेशन के लिए सबसे पहले तो हमें एक पर्सन को, सपोज करो हमारा एम्प्लॉई भी है, हम उसको एनरोल करेंगे। एनरोल का मतलब क्या है, हम उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करके हमारे डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, जिससे रिकॉर्ड करने के बाद जिससे उसको कुछ पैटर्न मिला जाएगा, उस पैटर्न से उसकी जब वो अनदर सेकेंड टाइम आता है तो उस पैटर्न के ऊपर जो बेस्ड हम लोग उसकी वेरीफिकेशन करते हैं। सो टेलीफोन बैंकिंग इज इंक्रीजिबली पॉपुलर विद कस्टमर एंड विल बी इंक्रीजिबली अट्रैक्टिव टू बैंक्स एंड अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एज दे स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट
हाईली कॉस्ट इफेक्टिव ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी टू हैंडल द रूटीन ट्रांजेक्शन द सब्जेक्ट ऑफ अनदर फाइनेंशियल फीचर वेब पेजेस. सो बेसिकली वो यूज़ कर रहे हैं, इम्बेड कर रहे हैं. सो बट द प्रोसीजर ऑफ वेरीफाइंग कस्टमर ओवर द टेलीफोन आर अनसेटिस्फैक्ट्री बोथ इन टर्म्स ऑफ कस्टमर कन्वेंशन एंड ऑल्सो. देखो ये कस्टमर की कन्वेंस भी नहीं है एंड ऑल्सो इंक्रीजिवली फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखिए बेसिकली पहले हम लोग जो यूज़ करते थे वो डेट इज़ अवर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या थी, क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री थी. सो उसके लिए हमारी कन्वीनियंस के लिए, तो कन्वीनियंस के लिए कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए और मोर सिक्योरिटी के लिए जो तो हमारे पास वॉइस रिकॉग्नाइजेशन को भी इंक्लूड किया गया. द प्रॉब्लम द यूज अप्रोच टू वेरीफाई द कस्टमर प्रोवाइडिंग डेट दे आर हु दे क्लेम टू बी इज टू यूज सम ऑफ सॉर्ट ऑफ पिन एंड पासवर्ड टू अवॉइड द कस्टमर हैविंग टू से द पासवर्ड आउट लाउड. दे आर यूजली प्रॉम्प्टेड फॉर से द सेकेंड एंड फोर्थ लेटर इन द पासवर्ड. सो बेसिकली देखिए हम लोगों को इसके लिए एक पर्सन को कुछ पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द पासवर्ड रिकॉग्नाइजेशन उस पासवर्ड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको वेरीफाई किया जाता है. सम ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं कि पासवर्ड से सेकेंड एंड फोर्थ करेक्टर ही आपको स्पेशली स्पीक करना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके भी पर्सन को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. सो द स्पीकर स्पेसिफाई करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच आर ड्यू टू द डिफरेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड द बिहेवियर असेप्ट ऑफ अ स्पीच प्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन. द मेन फिजियोलॉजिकल असेप्ट ऑफ द ह्यूमन स्पीच प्रोडक्शन मस्ट बी इन द वोकल ट्रैक शेप. द वोकल ट्रैक शेप इज जनरली कंसिडर एज द स्पीच प्रोडक्शन ऑर्गन अबव द वोकल फोल्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग. देखिए अब हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के अंदर एक पर्सन की पर्टिकुलर पिच को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अब उसके लिए हमारे पास वोकल ट्रैक बनाया जाता है. उस वोकल ट्रैक में एक पर्सन की जो स्पीच है उसकी प्रोडक्शन कैसी है, उसके ऑर्गन से उसके वोकल फोर्स से किस टाइप की पर्टिकुलर हर एक वर्ड के लिए कितना प्रेशराइज होकर निकलता है वर्ड, कैसे उसकी प्रोनंसिएशन होती है, उन सबको ट्रैक किया जाता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ द जो इसके हम लोग बात करते हैं तो वोकल फोल्ड्स के अंदर क्या क्या कंसीडर करता है ये. देखो ब्रीथ, वो कैसे कैसे सांस लेता है, उसकी टंग कैसी होती है, ठीक है, टंग कहाँ पे फोल्ड होती है, लिप्स और टंग का पर्टिकुलर रिलेशन क्या रहता है, वेलगम रेयर एंड नोजल से कैसी, नोजल से कौन कौन सी आवाज़ निकलती है, नोजल कैविटी कैसी है. नोजल कैविटी की बात करते हैं तो अबव द प्लेलेट एंड एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ फेरक्सिन टू द नोस्टेल्स, तो उनके बीच में कैसी शेप है, कैसा एरिया है, इन सब के ऊपर बेस्ड होकर एक पर्सन की पर्टिकुलर वॉइस निकलती है. सो जो हमारे पास वॉइस है वो हमारे पास किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ब्रीथ कैसे लेता है, कहाँ पे ब्रीथ लेता है, कहाँ पे पोजिंग आती है, टंग्स को किस किस टाइप की शेप देता है, वेलगम कैसा रहता है, उसकी लिप्स कैसे बाउंड करता है, कैसे फोल्डिंग होती है, प्लेटलेट कैसे ऐसे काम करते हैं, वेलगम कैसे करता है, रेयर एंड ऑफ द नेस्टल कैविटी कैसे वर्क करती है, उन सभी के ऊपर बेस्ड करके हमारे पास वॉइस को रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो बेसिकली वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के बाद उनको इन सब बेस्ड जो हमारे पास क्राइटेरिया है, इन सभी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड उसको एक पैटर्न दिया जाता है. उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कोड जनरेट होता है. जो कोड होता है हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर होता है. व्हेन द सेम पर्सन कम्स अगेन, जब वो सेम पर्सन दोबारा आता है तो उस डिपेंडिंग अपॉन डैट पर्टिकुलर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और डैट पर्टिकुलर कोड उस पर्सन को हम लोग वेरीफाई कर देते हैं. सो हियर इज अ ग्राफ. देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ बनाया है. नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कैसी होती है पर्सन की और जो भी हमारे पास जो किस फ्रिक्वेंसी के साथ वो स्पीक करता है उस फ्रिक्वेंसी को अब मैचअप कर लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है. सो चॉइस ऑफ फीचर्स की बात करते हैं. द LPC फीचर वेयर वेरी पॉपुलर इन रेयरली स्पीच ऑर्गेनाइजेशन द स्पीकर वेरिफिकेशन सिस्टम. हाउ एवर द कंपेरिजन ऑफ टू LPC फीचर्स फैक्टर रिक्वायर्स द यूज ऑफ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव सिमिलरिटी मेजर सच एज. देखिए अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे,
लेटाक्यूरा, स्टेटो, डिस्टेंस एंड हेल्थ एलपीसी फीचर आर अनसुटेबल फॉर द यूज ऑफ रियल टाइम सिस्टम. फॉर वी सजेस्ट द यूज ऑफ द कैपस्टुरम डिफाइंड एज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इन द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एप्लीकेशन. बेसिकली देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया, बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते थे एलपीसी फीचर यूज़ करते थे जो पर्सन की है, लेक्टुरा और स्टूडियो स्टेडियो डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर लेते थे, बट वो इनसफिशेंट रहता था. तो उस इनसफिशेंसी को ओवरकम करने के लिए हमने इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्गोरिदम, फूरियर बेसिकली जो फूरियर सीरीज हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे वॉइस पैटर्न के अंदर उसकी फ्रिक्वेंसी किस टाइप की है, कहाँ पे हाई रेट हो रहा है, कहाँ पे पिच कम हो रहा है, उसको साइन और कोसाइन के टर्म में हम लोग यूज़ कर लेते हैं. सो बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, तो हम उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशन. तो हम उसको मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से हेल्प कर लेते हैं, यूज़ करते हैं. सो द यूज़ ऑफ कैपस्टुरम अलाउज द सिमिलरिटी बिटवीन टू कैपस्टुरल फीचर फैक्टर टू बी कंप्यूटेड एज अ सिंपल इल्यूडियन डिस्टेंस. फर्दरमोर एटल हैज डेमोंस्ट्रेटेड दैट द कैपस्टुरम ड्राइव्ड फ्रॉम एलपीसी फीचर रिजल्ट इन द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एफएआर एंड एफआरआर ऑफ स्पीकर्स वेरिफिकेशन. कॉन्सिक्वेंटली वी हैव डिसाइडेड टू यूज एलपीसी ड्राइव स्पेक्ट्रम फॉर आवर स्पीकर वेरिफिकेशन सिस्टम. सो देखिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते थे, जब एलपीसी यूज़ करते थे जिसको हम लोगों ने बोला वो क्वाइट इनसफिशिएंट होती थी, तो हमने उसके अंदर मोर फीचर्स को इंक्लूड कर दिया. मोर फीचर को इंक्लूड करने से हमारे पास जो उसकी जो पावर थी वो राइज अप हो गई, जिसको हम लोग फर्दर अपने वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के अंदर इंक्लूड करने लगे. नेक्स्ट इज अवर स्पीकर मॉडलिंग. सो यूजिंग स्पेक्चुरल एनालिसिस एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस सेशन एंड अटरेंस मे बी रिप्रेजेंटेड एज द सीक्वेंस ऑफ फ्यूचर फैक्टर्स. अटरेंसेस स्पोकन बाय द सेम पर्सन बट एट डिफरेंट टाइम रिजल्ट इन सिमिलर येट अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ फीचर फैक्टर्स. द पर्पज ऑफ द वॉइस मॉडलिंग इज टू बिल्ड अ मॉडल डैट कैप्चर दीज वेरिएशन इन एक्सट्रैक्ट सेट ऑफ फीचर्स. तो बेसिकली हम स्पीकर मॉडलिंग की बात करते हैं तो समटाइम क्या होता है, डैट इज टोटली हेयर बेस्ड अपॉन यूट्रेंसिस स्पोकन, किस टाइप के यूट्रेंसिस हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन पर्सन. एक टाइम पर क्या होता है, पर्सन मे बी उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, मे बी उसकी कुछ हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको ये पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था. सो उसके लिए हमारे पास ना और भी मॉडल्स आए जिसको हम जिससे हम लोगों ने यूज़ किया अपने वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए. सो दे आर द टू टाइप्स ऑफ मॉडल डैट हैव बीन यूज एक्सटेम इन स्पीकर वेरिएशन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. कौन कौन से हमारे पास मॉडल आए, एक टेम्पलेट मॉडल था, एक स्टोमेटिक मॉडल था. स्टोमेटिक मॉडल ट्रीट्स द स्पीच प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ पैरामीट्रिक रैंडम प्रोसेस एंड एज्यूम दैट पैरामीटर्स ऑफ अंडरलाइन स्टोमेटिक प्रोसेस कैन बी एस्टिमेटेड इन द प्रिसाइज वेल डिफाइंड मैनर. देखिए जब हमारे पास अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन था, वो बेसिकली दो टाइप से हम लोगों ने उसके मॉडल को यूज़ किया. सबसे पहला था स्टोमेटिक, नेक्स्ट है टेम्पलेट मॉडल. सो हम लोग अब टेम्पलेट मॉडल में क्या करते हैं, कुछ पैचेस बना के रख लेते हैं, टेम्पलेट बना के रख लेते हैं, कुछ पैटर्न बना के रख लेते हैं, उन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग मैचअप करते हैं. सो द पैटर्न मैचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ इनपुट फीचर्स फैक्टर अगेंस्ट द स्पीकर मॉडल फॉर द क्लेम्ड आइडेंटिफाइंग एंड कंप्यूटिंग द मैचिंग स्कोर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब हम लोग पैटर्न मैचिंग करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक पैटर्न बना लेंगे, हर एक पर्टिकुलर हमारे पास कोडिंग जनरेट होगी, उस कोडिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे पैटर्न को मैचअप करते हैं. सो फॉर द हिडन मार्कोव मॉडल डिस्क्राइब द मैचिंग स्कोर इज प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन सेट ऑफ फीचर्स फैक्टर कैन बी जनरेटेड बाय द मॉडल.
तो जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया है वो फीचर वो मॉडल जनरेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैचअप कर लेंगे। नेक्स्ट इज अवर की स्ट्रोक डायनेमिक। कंप्यूटर सिस्टम आर नाउ यूज इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स एंड मेनली बिजनेस रियरली हैवीली ऑन द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ देयर कंप्यूटर सिस्टम विद ड्रामेटिक इंक्रीज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर देर इज हाई डिमांड ऑफ सुटेबल अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल कंप्यूटर यूजर ऑथेंटिकेशन। सो बायोमेट्रिक्स द फिजिकल ट्रेल्स एंड द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स ईच ऑफ अस यूनिक आर द नेचुरल चॉइस ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अनलाइक पासवर्ड एंड पिंस बायोमेट्रिक्स कैन बी यूज कैन नॉट बी लॉस्ट स्टोलन एंड हाउ हाइड ऑफ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ रिलेटिवली स्टेबल फिजिकल फीचर सच एज फिंगरप्रिंट आयरिस पैटर्न एंड रेटिना पैटर्न। सो की स्ट्रोक डायनेमिक्स इसका मतलब क्या है, जो हम लोग पहले यूज़ करते थे तो पहले हम लोग एक पर्सन का कीवर्ड हम लोग पासवर्ड वगैरह यूज़ करते थे, बट एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डे बाय डे हमारे पास इंक्रीज हो रही है, सो हमें भी नीड पड़ी कि हम लोग एक पर्सन के जो फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक उसके फिंगरप्रिंट कैसे हैं, उसका थंब प्रिंट कैसा है, इवन हम लोग कहेंगे उसका हैंड प्रिंट कैसा है, उसकी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने क्या किया, एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया रादर देन अ पर्सन सिग्नेचर्स, रादर देन अ पर्सन पासवर्ड एंड ऑल। तो हम लोगों ने उससे अच्छा प्रेफर किया कि हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो इतना फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं। सो द बिहेवियर ट्रेड ऑन द अदर हैंड हैज सम फिजियोलॉजिकल बेसिस बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ पर्सन इमोशनल स्टेट। द मोस्ट कॉमन ट्रेल्स यूज इन द आइडेंटिफिकेशन इज पर्सन सिग्नेचर। अदर बिहेवियर यूज इंक्लूड द पर्सन की स्ट्रोक टाइपिंग एंड स्पीच पैटर्न। बिहेवियर बायोमेट्रिक्स वर्क्स बेस्ट इन रेगुलर यूजेस। सो एक्टिव एंड पैसिव बायोमेट्रिक्स। एक्टिव बायोमेट्रिक्स कौन सा रहेगा और पैसिव बायोमेट्रिक्स कौन सा रहेगा। एक्टिव बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट रहेगा, हैंड ज्योमेट्री रहेगा, रेटिना स्कैनिंग, सिग्नेचर रिकॉग्नाइजेशन। बट पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव हमारे पास क्या रहेगा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इज अवर पैसिव बायोमेट्रिक्स। आयरिस रिकॉग्नाइजेशन इज अनदर पैसिव। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन अनदर हमारे पास पैसिव बायोमेट्रिक्स है। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो एक्टिवली की जा सकती हैं बायोमेट्रिक्स से, कौन सी हैं जो पैसिवली की जा सकती हैं। सो एक्टिव क्या रहेगा, फिंगरप्रिंट है, हैंड प्रिंट है, रिटिना है, सिग्नेचर है, और पैसिव कौन सा रहेगा। मे भी देखिए हम लोग बात करते हैं हैंड प्रिंटिंग की, हैंड प्रिंटिंग की, सिग्नेचर प्रिंटिंग डेट कैन बी चेंज, एंड जब हम लोग पैसिव की बात करते हैं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, आयरिस रिकॉग्नाइजेशन है, डेक टेक्नोलॉजी आर मच मच बेटर देन द एक्टिव बायोमेट्रिक्स। सो टुडे वी विल वाइंडिंग अप आवर सेशन हेयर, बट बिफोर गोइंग टू वाइंडिंग अप सम क्वेश्चन आर फॉर यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम आवर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। देन एक्सप्लेन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इज टेलीफोन बैंकिंग। टेलीफोन बैंकिंग में हम बेसिकली किस टाइप से वॉइस रिकॉग्नाइजेशन को यूज़ करते हैं। सो थैंक यू टिल वी लर्न, हैप्पी लर्न।